घोड़ों के अन्य रंग और दाग दोष। आज हम आपको घोड़ों में विभिन्न प्रकार के रंगों और दाग के दोषों के बारे में बताने जा रहे हैं। दाग रंग गोमय। बाघ के रंग वाले घोड़े को गोमय घोड़ा कहते हैं। इस रंग के घोड़े के पेट पर, कमर की ओर और मुख पर दाएं या बाएं ओर दाग हो तो वह अच्छा घोड़ा नहीं माना जाता। स्तुति मंगल दोष। जिस घोड़े की पूंछ, हृदय, पैर, सिर और दाढ़े के बीच में सफेदी हो तो उस घोड़े को स्तुति मंगल घोड़ा कहते हैं। इसको अच्छे लक्षण वाला मानते हैं। पुष्प रंग दोष। अपने वर्ण का नाश कर दूसरे रंग को प्रकट करने वाला पुष्प रंग घोड़ा माना जाता है। इसको अशुभ मानते हैं। अशुभ रंग दाग दोष। किसी भी घोड़े की सवारी सात दोषों को देखकर करनी चाहिए, जैसे कि माथा तारे के समान अति लघु हो और उस पर टीका हो, सिर का टीका बाहर की तरफ निकला हुआ हो, सिर पर सफेद टीका और रंग अकरब हो, माथे पर श्याम और टीके का रंग अरुण हो, टीके की नोक इधर उधर निकली हो, पैरों की सफेदी एक समान ना हो व माथे पर सफेदी हो। पीठ दाग दोष। यदि घोड़े की पीठ पर बड़ा सफेद दाग हो तो उसको तुरंत बेच देना चाहिए। तिलकतोर दोष। जिस घोड़े के शरीर पर अधिक सफेद रंग हो और बीच बीच में खंडित हो तो उसको तिलकतोर कहते हैं। यह घोड़ा महाविनाशकारी तथा राज्य और सुख का नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए इसको कभी नहीं लेना चाहिए। शहर भूख रंग दाग दोष। जिस घोड़े की नाक सफेद हो उसको शहर भूख रंग घोड़ा कहते हैं। इसका पेट कभी नहीं भरता और इस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। कंचुकी रंग दाग दोष। जिस घोड़े की पिछली जांघ, दोनों आगे की टांगे, कंधा तथा अंडकोश सफेद रंग का हो उसको कंचुकी रंग का घोड़ा कहते हैं। इसको कुल, धन और कृषि का नाशक माना जाता है। चौरंगी रंग दाग दोष। जिस घोड़े के नाक के अंदर सफेद बिंदु हो तो उसको चौरंगी रंग का घोड़ा कहते हैं। इस घोड़े को अशुभ मानते हैं। श्रुति हत रंग दाग दोष। जिसके कान सफेद हो उसको श्रुति हत रंग का घोड़ा कहते हैं। नकुल के अनुसार इस घोड़े को रोगकारी और सुख विनाशी माना जाता है। श्याम तालु दोष। जिस घोड़े के तालु के बीच श्याम रंग का टीका हो तो उसको श्याम तालु कहते हैं। शालहोत्र के अनुसार ऐसा घोड़ा निषिद्ध होता है। पंच स्थल शुभ। जिस घोड़े की गर्दन, अंडकोश, पीठ, पूंछ और चरण सफेद होते हैं तो उसको शुभ लक्षण वाला घोड़ा कहते हैं। यदि इन पांच स्थानों के बजाय चार, तीन या दो स्थानों में सफेदी हो तो उसको गुलदस्ती कहते हैं। शालहोत्र के अनुसार इसको भी शुभ मानते हैं। मिश्रित रंग। बर्फ के जैसे सफेद घोड़ा राजा के लिए सुखदाई होता है। लाल और पीले रंग का घोड़ा सभी प्रकार से सुंदर लगता है। काले सर्प के रंग को भी पराजित करने वाला नीलमणि के समान तथा श्यामलता के समान नील घोड़ा होता है। इस रंग के घोड़े बड़े भाग्यशाली के ही घर में आते हैं। सबसे सफेद रंग के घोड़े को राज्य तिलक के योग्य समझना चाहिए। यदि सफेद रंग का घोड़ा ना हो तो लाल या पीले रंग का घोड़ा लेना चाहिए, लेकिन श्याम रंग के घोड़े को नहीं लेना चाहिए। यदि आपको घोड़े का रंग समझ में ना आ रहा हो परंतु उसका शरीर विशाल हो, मतलब उसकी विशालता भयंकर लगती हो, तो उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस घोड़े का रंग बाल अवस्था में नीला लगे लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे श्याम रंग का हो जाए तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। अधिक रंगों के कारण जिसकी सुंदरता रोजाना घटती हो तथा बहुत फीका रंग हो तो ऐसे घोड़े को कभी नहीं खरीदना चाहिए। नोकरा रंग का घोड़ा, जो हंस के जैसे होता है, यह सफेद रंग का भी होता है। सुरखा, कुमैत और मुस्की, ये पांचों रंग महाबलशाली माने जाते हैं। शालहोत्र का कहना है कि इन पांचों रंगों के घोड़ों को देवता के समान समझना चाहिए। रंगों के अनुसार घोड़े। यहाँ पर शालहोत्र के अनुसार घोड़ों की गर्मी और ठंडी प्रकृति के बारे में बताने जा रहे हैं। मुस्की, कुमैत, सुरखा, हरियल और समुद्र रंग गर्म प्रकृति के घोड़े माने जाते हैं। नीला, चीनी, सबुजारा,
ठंडी प्रकृति के घोड़े होते हैं। शेष रंग वाले घोड़े जो अरुण और पीले रंग से उत्पन्न होते हैं, वे सब वात पित्त के मिलने से भिन्न भिन्न प्रकृति के हो जाते हैं। इन सबकी पहचान कर उत्तम रीति से औषधि का पान कराना चाहिए।